हेलो बच्चों, तो सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 और आज पढ़ने जा रहे हैं एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो लेक्चर नंबर 5 में आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आज पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है दोनों, फॉर्मुलेज भी सिमिलर दिखेंगे और न्यूमेरिकल भी सेम तरह से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आप सबको पता है, वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। तो आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सर वो लाइन हो जाए कौन सी, मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका प्यारा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। तो इसके पिछले लेक्चर में आपने देखा कि जब नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उसी तरह से नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, कब, नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डालने पे। अब ऐसा क्यों होता है ना। तो बच्चों मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। एक ग्राफ बनाएंगे हम, वेपर प्रेशर, वहां पे बनाया था ना, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। चलिए पहले हम प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बनाते हैं जिसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं पड़ा, प्योर सॉल्वेंट का। तो बच्चों प्योर सॉल्वेंट का मैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अगर बनाऊं तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या होगा, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वो ग्राफ कुछ मेरा मान लो ऐसा बना, ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अच्छा अब मान लो इसी में मैं एक नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं, नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाए। तो बच्चों नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होगा, वेपर प्रेशर, सब लोग बोलेंगे एक बार में, वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सबने पढ़ रखा है नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डालो तो क्या होता है कि अब वो नॉन वॉलेटाइल है, वो ऊपर आना नहीं चाहता। बताया था ना पिछले लेक्चर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐसे पुचुक करके बैठ जाता है, अब तुम हीट करो वो ऊपर आना ही नहीं चाहता, है ना, नॉन वॉलेटाइल है। तो होता क्या है कि वेपर्स कम हो जाते हैं, वेपर कम होने से ओवरऑल वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज, यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का अगर ये ग्राफ है तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ ये कुछ बनेगा। बोलो क्लियर है, दिस इज दिस ग्राफ फॉर सॉल्यूशन जिसमें क्या पड़ा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है एकदम साफ साफ। वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाया पहले प्योर सॉल्वेंट का और फिर सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का ग्राफ देखो प्योर सॉल्वेंट से नीचे है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम है। कहीं पे भी देख लो, जैसे इस टेम्परेचर पे देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये आ रहा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज़्यादा है। यहाँ पे देख लो किसी भी टेम्परेचर पे, यहाँ देख लो टिंग डिंग 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 डिंग, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये आया, टिंग डिंग 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 डिंग, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये। तो ये तो समझ में आता है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वो वेपराइज नहीं होना चाहता, ऐसे पुचुक करके बैठा हुआ है, हीट कर रहे हैं वो ऊपर आ ही नहीं रहा, है ना, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अच्छा अब बात आती है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है, एक नई डेफिनेशन। जैसे पिछले लेक्चर में बॉइलिंग पॉइंट की नई डेफिनेशन थी, यहां फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जहां पे बराबर हो जाए किसी भी सब्सटेंस का, जहां पे लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए उसको हम बोलेंगे
उस टेम्परेचर को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। नई डेफिनेशन है ये। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो लिक्विड है जिसकी बात हो रही है, जो सॉल्वेंट है, इसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर का कर्व बनाते हैं। सॉलिड का भी वेपर्स बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर का मैंने कर्व बनाया तो वो कुछ मान लो ऐसा बना, ठीक है, थोड़ा सा स्टीपी बनेगा, थोड़ा सा मतलब तेज ऐसे बढ़ता हुआ ये बन गया मान लो, ठीक है। दिस इज द कर्व फॉर, चलो अब सही है, कर्व फॉर सॉलिड सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में था, ये उसके वेपर प्रेशर का ग्राफ बन गया सॉल्वेंट का, सॉलिड सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, जब वो सॉलिड स्टेट में था तो उसके कुछ वेपर्स तब भी तो बन रहे होंगे सॉलिड स्टेट में भी, बाय सब्लिमेशन हो रहा हो कुछ वेपर्स बन रहे होंगे, ये उसका ग्राफ और ये उसके सॉल्वेंट स्टेट का ग्राफ और ये सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन को नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद का ग्राफ। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जहां पे इसका वेपर प्रेशर, जहां पे इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर सेम हो जाए, ये दिस इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको हमने बोला टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पे क्या हुआ कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया। देखो ये सॉल्वेंट किस स्टेट में है, लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर का ग्राफ है और ये सॉलिड स्टेट का, जब सॉल्वेंट अपनी सॉलिड स्टेट में है तो उसके वेपर्स बन रहे हैं सॉलिड स्टेट में भी थोड़े थोड़े, उनके वेपर प्रेशर का ये ग्राफ बना है। टेम्परेचर साथ देखो बहुत तेज उठ रहा है ये, क्योंकि अभी चेंज हो रहा होगा लिक्विड स्टेट, तो टेम्परेचर साथ वेपर्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ लो, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट becomes equal to vapor pressure of solid state. तो देखो solid state का vapor pressure का ये graph, liquid state का ये graph, दोनों कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे दोनों का vapor pressure बराबर, मतलब ये जगह वो है जहाँ पे freezing हो रही है, दोनों का vapor pressure बराबर मतलब state change हो रही है, liquid भी exist कर रहा है यहाँ पे, solid भी exist कर रहा है। अब हम solution की बात करें तो solution का vapor pressure थोड़ा नीचे, तो हमने कहा ये कब मिलेगा सॉलिड से, तो इसको थोड़ा आगे हमने बढ़ाया खींचा, ए यहाँ जाके मिल रहा है यहाँ, तो इस जगह पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम हो गया। भाई सॉल्यूशन भी तो लिक्विड स्टेट में ही है कि नहीं है, थोड़ा सा वेपर प्रेशर इससे कम है, तो ये जाते 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 कुछ पीछे यहाँ जाके मिला, इस जगह सॉलिड का, सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम, यानी ये भी क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, किसका, किसका सॉल्यूशन का, तो टीएफ है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का। आप देख रहे हो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा पीछे है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। बोलो यहां तक समझ में आया, नोट करो इसको, बना लेंगे इसको, क्लियर है ये चीज, मिटारा जाए, कंसेप्ट एकदम समझ में आया है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, तो ये ग्राफ थोड़ा पीछे जाके मिल रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम हो जाए, तो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर का ग्राफ ये है, सॉलिड के वेपर प्रेशर का, ये लिक्विड का, दोनों यहाँ पे सेम हुए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड, और सॉल्यूशन वाला कब सेम हो रहा है सॉलिड साथ, यहाँ पे, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा पीछे है, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला हमारे पास हो गया, यहाँ से क्या हो गया, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, अरे यार चेंज इन टेम्परेचर है, ये याद रखो सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का कम, बाकी तो बना ही लोगे, सॉल्वेंट का ज़्यादा सॉल्यूशन कम, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पे फ्रीजिंग पॉइंट पीछे आता है। इसको समझने का एक और तरीका है, लोग समझाते हैं कि फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ एक ऑर्डर्ड वे में अरेंज होती है, ये मत कहना कि फ्रीजिंग में कोई चीज़ का वॉल्यूम कम होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा फ्रीजिंग का मतलब ये नहीं है कि बॉडी का वॉल्यूम कम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वाटर के केस में देख लो, वाटर जब फ्रीज करता है तो एक्सपैंड करता है, और जबकि दूसरे लिक्विड जब फ्रीज करते हैं तो वो कंप्रेस करते हैं, तो ये कोई पक्की डेफिनेशन नहीं है। ये बोल सकते हो फ्रीजिंग टाइम, फ्रीजिंग जब होती है तो हर कोई एक ऑर्डर्ड स्टेट में आना चाहता है। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होगा, वो ऑर्डर्ड स्टेट को डिस्टर्ब करेगा, मतलब एक बढ़िया सी स्टेट बननी है उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है, इधर घुस गया उधर घुस गया मॉलिक्यूल से बीच में आ गया, जिसकी वजह से फ्रीजिंग मुश्किल हो गई,
तो अब फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर और पीछे ले जाना पड़ेगा, तो इस वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। समझाने का एक तरीका है, बेसिकली ये ग्राफी है जिससे ये चीज़ एकदम क्लियर होती है। ये नहीं बोलना कि फ्रीजिंग का मतलब कि कोई चीज़ का वॉल्यूम कम होगा या किसी चीज़ का वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, ऐसा श्योर नहीं है। अब वाटर का वॉल्यूम फ्रीज करने पे एक्सपैंड करता है और बाकी लिक्विड का फ्रीज करने पे कंप्रेस होता है, तो इसकी बात नहीं। ये कह सकते हो कि ऑर्डर्ड स्टेट में जाना चाहता था, एक क्रिस्टल बनाना चाहता था, अब वो क्रिस्टल बनाने के लिए उसको एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में जुड़ना होगा, पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बीच बीच में घुस के उस ज्योमेट्री को डिस्टर्ब कर रहा है, तो टेम्परेचर और पीछे ले जाना पड़ा, ये कह सकते हैं। चलिए, बेसिकली तो ये ग्राफी है जो एकदम एग्जैक्टली समझाता है। अब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करके हमें पता चला कि ये जो डेल्टा टीएफ है, ये जो डेल्टा टीएफ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, वेयर एम इज अगेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि डेल्टा टीबी केस में था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मोलैलिटी क्या होती है, डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना होता है, केजी में लेना होता है। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। तो ध्यान से देखो, यहाँ से डेल्टा टीएफ किस पे डिपेंड कर रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, यानी सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड ना करे कि सॉल्यूट किस तरह का है ना, कौन सा पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड है, इस पे डिपेंड ना करे, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलीगेटिव। तो ध्यान से देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। फिर हमने कहा प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है, आपने कहा ठीक है, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आया केएफ इनटू एम, केएफ हमारा एक कांस्टेंट हो गया, केएफ का नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, नाम है बस, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल था, जितने ज़्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोल्स होंगे उतना ज़्यादा ऑर्डर स्टेट को वो डिस्टर्ब करेगा, उतना टफ होगा फ्रीज करना, टेम्परेचर उतना पीछे करना पड़ेगा, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अब हमने कहा कि एक कांस्टेंट चाहिए, तो एक कांस्टेंट आया, बट ध्यान रखना दिस केएफ डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। ठीक है, इसका सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केएफ की वैल्यू अलग अलग होती है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपको एग्जाम में गिवन रहता है। ठीक है, कभी कभी निकालना पड़ता है, वो हम लास्ट में भी लेक्चर के सिखा देंगे। कई बार क्या 1% ऐसा होगा कि ना दिया हो, तो वो भी हम सिखाएंगे कैसे निकालना है, 1% की भी बात करेंगे। ठीक है, केएफ की यूनिट कई बार पूछ लेता है, यूनिट ऑफ केएफ क्या, तो यहाँ से देखो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। डेल्टा टीएफ किस में होगा, चेंज इन टेम्परेचर, केल्विन में। मोलैलिटी की यूनिट ऊपर मोल्स, नीचे केजी, मोल्स पर केजी, तो ये मोल्स पर केजी है, ये केल्विन है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर केल्विन, मोल्स पर केजी, ये ऊपर आया केजी पर मोल, मोल्स पर केजी, केजी पर मोल, तो केल्विन केजी पर मोल, यूनिट क्या हो गई, केल्विन केजी पर मोल। कई बार लोग कहते हैं कि इसको डिफाइन करो, डिफाइन केएफ, बोर्ड का सवाल है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन करिए, तो अगर इसको डिफाइन करना है तो आप एम की वैल्यू 1 रख दो, मैं हट जाता हूं, तो केएफ की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टीएफ के बराबर, यानी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन हुज मोलैलिटी इज 1। मोलैलिटी 1 का मतलब 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट, 1/1 मोलैलिटी 1। सो केएफ की डेफिनेशन क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट की या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की, इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
ऑफ दैट सॉल्वेंट व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट होगा, वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां देखो ये नहीं बता रहा कौन सा सॉल्यूट डालना है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे कहानी डिपेंड ही नहीं कर रही है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की सिर्फ बात हो रही है कि एक मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक मोल यूरिया पकड़ लो, एक मोल ग्लूकोज पकड़ लो, एक मोल केन शुगर पकड़ लो, कोई भी चीज एक मोल उठा के इसमें डाल दो जो नॉन वोलेटाइल हो, तब एक मोल डालने पे किसमें, वन केजी सॉल्वेंट में, एक केजी सॉल्वेंट में एक मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। जैसे हमसे किसी ने कहा कि वाटर का केएफ निकालो, तो क्या करो एक किलोग्राम पानी ले लो बाल्टी में, ठीक है, मस्त बाल्टी में, उसमें क्या करो उसमें एक मोल यूरिया डाल दो, फिर देखो कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना पीछे गया, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लो, वही होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्लियर है। किसी का भी बेंजीन का कोई कहा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकालो, तो क्या करो कि एक जग ले लो, जग में एक किलो बेंजीन डाल दो, उसमें एक मोल कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक मोल उसमें ग्लूकोज डाल दो, फिर देखो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना पीछे आ रहा है, नोट कर लो डेल्टा टी एफ, वही होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला आपको दिख रहा है, दो फॉर्मूले, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम और एक डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, है ना, दो फॉर्मूले हैं बस गिन चुन के इस पे सवाल बनेंगे। चलिए सवाल किया जाए, एक तो मस्त सवाल करें, मोलैलिटी समझते हैं ना आप, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल अज्यूम्ड नॉन वोलेटाइल, देखो इथेनॉल वैसे वोलेटाइल होता है बट अब ये बोल रहे हैं अज्यूम नॉन वोलेटाइल तो मानना पड़ेगा, मस्ट बी डिसॉल्वड इन 1 kg water so that it freezes at minus 2 degree Celsius. अब freezing point of water is 0 degree Celsius and Kf for water solvent के लिए defined होता है, Kf for water is 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी 1.86 केल्विन केजी पर मोल। इसमें कहा है कि इथेनॉल को क्या मान लो, नॉन वोलेटाइल। ट्राई करें एक बार खुद से इसको, ट्राई इट वंस योरसेल्फ। हो गया, चलिए किया जाए, ओके। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्योर वाटर फ्रीज कर रहा था जीरो पे, सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है माइनस टू पे, चेंज कितना है, टू इज इक्वल्स टू के एफ 1.86। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किस में रखो, केजी पे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। फॉर्मूला समझते हैं, अब सॉल्यूट क्या है अपना, इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवेन अपॉन मोलर मास। तो इथेनॉल का मास तो गिवेन है नहीं, वॉट अमाउंट ऑफ इथेनॉल, तो मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ इथेनॉल लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स जगह एक्स, किस निकलता है, मास अपॉन मोलर मास। इथेनॉल का मोलर मास कितना हो जाएगा, C2H5OH, मोलर मास 46, 12 2 जा 24 और 16, 40 और 6, 46। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास गिवन है ही नहीं कुछ, वॉट अमाउंट मान लिया एक्स, डिवाइड बाई मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, केजी में दिया, तो यहाँ पे रख लेंगे हम एक्स अपॉन 46 इंटू 1 kg। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 46 अपॉन 1.86,
तो ये हटा, जीरो जीरो लग गया। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला जाए, टू वन ज़ा टू, टू नाइन ज़ा एटीन, टू थ्री ज़ा सिक्स, 93, 46 करीब करीब टू ज़ा कट जाएगा, टू ज़ा ऊपर 100 बचेगा, तो करीब करीब 50 ग्राम। तो करीब करीब 50 ग्राम इथेनॉल डालने पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ चला जाएगा, माइनस टू पे। अज्यूम किया है कि इथेनॉल नॉन वॉलेटाइल, लिख दिया तो मानना पड़ा, अदरवाइज इथेनॉल इज वॉलेटाइल। क्लियर हो गया है, मोलैरिटी का फॉर्म नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन मोलर मास, गिवन था नहीं तो एक्स मान लिया। चलिए एक अच्छा सवाल लेते हैं, इसको मिटा दें, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल CH2 CH2 OH OH, ये है इथेन 1.2 डायोल। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज -34 डिग्री सेल्सियस। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड Kf फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, फाइंड डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। खूबसूरत सवाल, खूबसूरत सवाल, इसको ट्राई करें एक बार खुद से, बहुत ही खूबसूरत सवाल। चलिए एक बार कर खुद से करने की कोशिश करेंगे, हो गया। डेंसिटी निकालनी है लास्ट में, क्या करेंगे यार, सबसे पहले तो एक ही फॉर्मूला अपने पास, कौन सा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। देखो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना। सवाल ध्यान से पढ़ो, किसी चीज़ की डेंसिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, उस चीज़ का मास और वॉल्यूम। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का वॉल्यूम दे रखा है, मास गायब है, मास निकालना भी पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा इथाइल अल्कोहल वाले में, सेम सवाल है। डेल्टा टी एफ देख लो कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 0, मिक्सचर का -34, तो कितना हो गया चेंज 34, के एफ की वैल्यू 1.86, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स इज मास गिवन, इथिलीन ग्लाइकॉल का मास गिवन है नहीं, एक्स मान लो, अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास निकाल लो। बोलो समझ में आ रहा है, पिछला सवाल सेम तो था एकदम भाई, इसका मास गिवन नहीं है, इसका मास निकाल लो, वॉल्यूम गिवन है, डेंसिटी आ जाएगी। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 62 आएगा, कार्बन 12 12 24, कार्बन 12, कार्बन 12 12 24, 2 26, 2 28, 2 30 और 6 46 और 30 और 16, 46 और 16, 56, 62, सही है। कार्बन कार्बन 24 हो गए, हाइड्रोजन 2 2 4 5 6 और 2 ऑक्सीजन 32, 16 16 32 कितना हो गया, 2 4 6 6 12 6 62, ठीक है, तो 62। तो भाई मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है 62, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना है 50 इन केजी, तो डिवाइड बाय 1000। यहां से एक्स निकाल लो, वॉल्यूम पता है, खत्म, आंसर आ गया, निकाला जाए एक्स निकाले। चलो कैलकुलेशन थोड़ी सी करते हैं, तो ये जीरो से ये जीरो मर गया, 34 is equals to 1.86 into x/62 into, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे, 5 5 5 5 2 10 0 और देखें यहाँ से डेसिमल हटा, यहाँ नीचे डबल ज़ीरो, इस जीरो से ये जीरो मर गया, 2 1 2 2 5 10, 62 3 2 6 3 से कट रहा है, 3 कैंसिल हो गया सीधा सीधा, तो यहाँ से x इक्वल टू
5 इंटू 34 बाई 3, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 2 17 बाई 3, 3 5 जा 15, 20, 3 6 जा 18, 20, 3 6 जा 18, 6 6 ग्राम, बोलो सही है, कैलकुलेट कर लेना, कुछ नहीं किया यहाँ पे, मास मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन है एक्स मान लिया, मोलर मास ये था, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये आई। अब हमसे बोला ये क्या हो गया हमारे पास, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कितना आ गया 56.66 ग्राम। अब देखो वॉल्यूम भी पता है, मास भी पता है, डेंसिटी निकालने में क्या दिक्कत है, डेंसिटी ऑफ CH2 OH क्या हो जाएगा, मास बड़े वॉल्यूम, हलवा सवाल, मास कितना है 56.66, वॉल्यूम कितना है 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आंसर है निकाल लो, पाँच से काट दो ऊपर नीचे, नीचे काटोगे 5 × 5 = 5, 5 × 0, ऊपर 5 × 5 = 6, 5 × 5 = 16, 5 × 3 = 15 = 16, 5 × 3 = 15 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये आ रहा तो आएगा 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अप्रोक्सीमेट आया होगा, बोलो सही है, समझ में आ रहा है अब कैसे इसको डील करना है। एक और सवाल करना है इसका कि यहीं पे छोड़ दिया जाए, एक और करा दें, चलिए आखिरी सवाल मिटा रहे, अच्छा और एक सवाल एनसीईआरटी का करा दें, इसके बाद सिखाते हैं कि केएफ ना दिया हो तो कैसे निकालें, पहले एक सवाल और कर लो, ठीक है, थोड़ा सा मास परसेंटेज वाले क्वेश्चन देख लो कि कैसे मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है अगर मास परसेंटेज दिया हो। क्वेश्चन नंबर 3, 5% ऑफ केन सुगर बाई मास, ठीक है 5% बाई मास, केन सुगर हो गया C12H22O11, मोलर मास 342, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज बाय मास, ग्लूकोज अपना C6H12O6, बोलो क्वेश्चन समझ में आया, 5% ऑफ केन सुगर बाय मास, 5% बाई मास है ना, C12H22O11 हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, 5% बाई मास, इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज, ध्यान से देखना, 273.15 केल्विन, ये सही डेटा होता है, हम लोग जीरो ले लेते हैं, 0.15 होता है ना, 273.15 केल्विन, एंड केएफ इज इक्वल्स टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है केएफ फॉर वाटर दिया हमको, ट्राई करेंगे, ट्राई करिए एक बार खुद से, देखिए हो रहा है कि नहीं आपसे, ट्राई कर लिया, कर लिया, बताया जाए एनसीईआरटी का सवाल, ट्राई कर लें पॉज करके, चलिए देखते हैं, फॉर्मूला अपने पास एक ही है क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, और पहले फॉर्मूला केन सुगर पे लगाते हैं, है ना, पहले यही फॉर्मूला लगाते हैं केन सुगर के ऊपर, केन सुगर पे लगाते हैं डेल्टा टी एफ, तो केन सुगर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 271, प्योर वाटर कितना है 273.15, तो चेंज इन टेम्परेचर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है मेरे ख्याल से तो 2.15 है, 273 है, 2.5, केएफ की वैल्यू लिखोगे मत लिखो कट जाएगा, बताते हैं इनटू मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा अब देखो यहाँ मोल्स कुछ दिया ही नहीं, यहाँ तो दिया है 5% केन सुगर बाई मास, 5% केन सुगर बाई मास का मतलब, इसका मतलब हुआ 5 ग्राम केन सुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, बाय मास बोला है ना, बाय वॉल्यूम बोला होता तो लिखते 5 ग्राम केन सुगर
इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये देखो ये आ गया आप सवाल, इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में आपको ये सब पढ़ाया सोल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये सब नहीं आता तो पहले लेक्चर देखो, क्लास 11 का मैंने पूरा लेक्चर्स वहाँ पे एक साथ सारे ऐड करके वहाँ पे मैंने डाल रखे हैं, ठीक, कंपाइल करके। 5% सोल्यूशन वेट बाई वेट, मतलब 5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। यानी केन शुगर है कितना, 5 ग्राम। केन शुगर का मोलर मास कितना है, 342 आएगा, निकाल लेना, 342 यू कैन फाइंड, ठीक है। और इसका ग्लूकोज का आता है मोलर मास 180, ठीक है। मोलर मास की जरूरत पड़ रही ना हमें यहाँ पे, 342 फॉर्मूला दे रखा है, आप निकाल सकते हो। सो मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन कितना है इसका, ये 5 ग्राम केन शुगर, तो 5 अपॉन मोलर मास कितना है, 342 अपॉन, मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला, मास गिवन अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का रख दिया, सॉल्यूट यही है ना केन शुगर, मास गिवन इसका 5 ग्राम केन शुगर इन 100 ग्राम, 5 ग्राम डिवाइड। अच्छा नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट, अब बच्चों सॉल्वेंट कितना होगा, देखो टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है, 5 ग्राम केन शुगर है, तो बचा हुआ तो सॉल्वेंट होगा ना, वाटर कितना हो गया 95 ग्राम, इसी को तो सॉल्वेंट बोलेंगे, कुछ नहीं दिया है तो पानी दिया भी है शायद, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ना। तो 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन, उसमें 5 ग्राम केन शुगर, 95 ग्राम वाटर, तो 95 डिवाइड बाई 1000 इन केजी। यहीं छोड़ दो इसको, सॉल्व मत करो, रुक जाओ। अब जरा सेम इक्वेशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इन टू एम अप्लाई करो जरा ग्लूकोज के ऊपर। अच्छा ग्लूकोज का डेल्टा टी एफ कितना है नहीं पता, ये तो निकालना है, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको डेल्टा टी एफ ही रहने दो ग्लूकोज के केस में, चलो ठीक है। के एफ की वैल्यू सेम होगी क्योंकि सॉल्वेंट चेंज नहीं हुआ, के एफ डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, इसलिए के एफ की वैल्यू मैंने रखी नहीं, अभी भी वाटर है। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, 5 ग्राम ग्लूकोज का मतलब, 5 ग्राम ग्लूकोज का मतलब भी यही हुआ, 5% ग्लूकोज का मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यस और नो, 5% ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, 5 बाई मास लिखा है, यानी 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो यहां पे भी वाटर कितना हो जाएगा, 95 ग्राम हो गया। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन अपॉन मोलर मास, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, 180 निकाल सकते हो आप, तो 180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 95/1000, इक्वेशन नंबर 2। 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डेल्टा टी एफ मिल गया आपको, खत्म। देखो ना ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, के एफ कट जाएगा, 2 डिवाइड बाय फर्स्ट डेल्टा टी एफ अपॉन 2.15 इज इक्वल्स टू के एफ से के एफ कैंसिल हो गया, इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल कर दोगे, 5 से 5 कैंसिल होगा, डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, 342/180 ये आना चाहिए, इसको इससे डिवाइड करो तो डेल्टा टी एफ अपॉन ये के एफ से के एफ मर गया, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होगा, 5/180 अपॉन 5/342, 5 कैंसिल हुआ, 342 ऊपर नीचे 180। अब देख लो कितना आ रहा है, यहाँ से डेल्टा टी एफ निकल आएगा आपका, ये किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 5 30, 6 7 42, 6 3 18, 0 3 1 3 10, 3 1 3 27, 3 9 27, 1.9, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 2.15 × 1.9, सो 19 5 95, 5 9 गया हासिल, 19 1 19 और 9 28, 2 गया हासिल, 19 2 38 और 2 40, 1 2 3 3 के बाद, 1 2 3 3 के बाद, 1 2 3, 4.085 ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, करीब करीब 4.09 केल्विन, केल्विन भी बोल सकते हो सेल्सियस भी, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में और सेल्सियस में सेम होता है, 4 डिग्री टेम्परेचर केल्विन में कम होगा तो 4 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में भी कम होगा, ये चीज समझ लो, केल्विन और सेल्सियस टेम्परेचर सेम नहीं होता पर चेंज दोनों का
सेम होता है, चार इसमें कम होगा तो चार सेल्सियस। ये आपको मिल गया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, खत्म तो हो गया। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ये है, इससे कितना नीचे गिर जाएगा, सोल्यूशन का नीचे गिरता है नॉन वॉलेटाइल एलिमेंट पे पीछे आता है, डिप्रेशन कितना नीचे गिरेगा, इतना नीचे गिरेगा, गिरा दो यहां से, इसमें से चार नीचे गिरा दो, कहां लिख लूं मैं, कहां लिख लूं, यहां लिख लूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, इसमें से चार माइनस कर लो, 273 माइनस चार 269, और 15 में से 09 माइनस कर दो 0.06 के लिए, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है, समझ में आ गया, कभी परसेंटेज वर्सेज दे रखा हो तो देखो ये आपको आना चाहिए कि मोलैरिटी दी हो तो आप वापस मोलैलिटी पे आ जाओ, परसेंटेज भी दिया हो तो मोलैलिटी में आ जाओ, मोल फ्रैक्शन दिया है तो आप मोलैलिटी में आ जाओ, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी कि कैसे कन्वर्जन होगा तो आप पहले लेक्चर को ध्यान से देखो कॉपी पेन लेके नोट करते हुए, दो घंटे का है मान लिया, बट उसमें यही सब चीज़ें पढ़ाई गई है। मान लो ये सवाल अभी बोर्ड में आ जाता तो आपको छोटी चीज़ नहीं आती थी, आपको डेल्टा टी एफ की पूरी नॉलेज थी, आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ चुका था, और भाई साहब आपका 11 का बेस कमजोर था, तो उसके लिए पहला लेक्चर देख लो अगर ये चीज़ नहीं आ रही, उसमें दो घंटे में सब कवर किया है और बड़े प्यार से। तो भाई साहब ये सारी बातें थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। अब वो बात मान लो केएफ ना दिया हो, ये मैंने केवी के लिए बताया है, इफ़ केएफ इज नॉट गिवन, बहुत रेयर केस होगा ऐसा, हो वेरी रेयर केस, देन यू कैन कैलकुलेट केएफ बाय द फॉर्मूला आर टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, खत्म। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, आर की वैल्यू या तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन यूज करना या तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन यूज कर लेना, ठीक है, वो 0.082 वाली मत यूज करना, लीटर एटमोसफियर पर मोल केल्विन 0.0821, वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस स्टेट में, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में, और कहीं नहीं, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी वाली या तो ये या तो ये, अब डिपेंड करेगा कि डेल्टा एच फ्यूजन किस तरह से दिया है। यहाँ पे टी नॉट एफ क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, के एफ किसका निकालते हो, पानी का, अरे नहीं रे, के एफ किसका निकालते हो, सॉल्वेंट का, डिपेंड्स अपॉन, तो के फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और बच्चों इसको हमेशा केल्विन में लेना, ध्यान देना यहाँ पे, यहां पे सेल्सियस में नहीं चलेगा कहानी, ठीक है, इस मामले में शुड बी इन एसआई यूनिट केल्विन। एम क्या है, एम इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच फ्यूजन इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब कि एक मोल लिक्विड को जमाने में, जमाना नहीं, जमाने मतलब फ्रीज करने में, कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, या एक मोल सॉलिड को गलाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दोनों तरह से देख सकते हो ना, सॉलिड से लिक्विड, एक मोल की बात हो रही है, वन मोल सॉलिड से लिक्विड स्टेट या लिक्विड से सॉलिड स्टेट लाने में जो एनर्जी इन्वॉल्व हो, भाई सॉलिड से लिक्विड लाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, लिक्विड से सॉलिड आओगे तो एनर्जी बाहर, तो एक मोल में जितनी एनर्जी देनी पड़े या एक मोल में वापस आते हुए जितनी एनर्जी बाहर निकले उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में ये नहीं दिया होता, दिया होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ लिक्विड फ्रीजेस, ये 1 ग्राम के लिए है और ये 1 मोल के लिए है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, ये भी वही हीट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज जब क्या हो 1 ग्राम सॉलिड से लिक्विड बन जाए तब तो हीट देनी पड़ेगी, और जब लिक्विड से सॉलिड तो हीट रिलीज होगी 1 ग्राम के लिए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं, ये रिलेटेड ऐसे हैं, डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। देखो आसान है, सोचना आसान है, ये किसके लिए था 1 ग्राम के लिए, ये किसके लिए था 1 मोल के लिए, तो 1 ग्राम के लिए पता है कितनी हीट चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, तो
तो मोलर मास मतलब एक मोल का मास, तो ये निकल आई हीट रिक्वायर्ड फॉर वन मोल। जैसे मान लो एक मोल सॉलिड को गलाने के लिए मान लो हमें चाहिए 1 जूल ऑफ हीट, तो भाई साहब एक मोल के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, 1 जूल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, एक मोल का जितना मास है, तो डेल्टा एच फ्यूजन। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, लेटेंट ऑफ फ्यूजन इनटू एम करके, इससे आप के एफ निकाल सकते हो अगर गिवन ना हो। तो यहीं पे हम ये लेक्चर भी बंद करते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस जेई में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो हम बनाएंगे, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर और वेंट ऑफ फैक्टर आपको पढ़ा लें। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।